सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं शायर जैन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं एक और नए वीडियो में, एक और नए सफर में। फिलहाल हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी प्री मॉनसून रैंडम सीरीज, और लास्ट पार्ट हम लोगों ने बामिना रेलवे स्टेशन पर ख़त्म किया था, मेरे होम स्टेशन पर, आज सुबह करीब 6:30 बजे 7 बजे। अभी फिलहाल शाम के आप यहाँ टाइम देख लो, 7 बजने को आए हैं, और क्या उसका मौसम हो रहा है। बिल्कुल अभी बारिश हो रही थी यहाँ पर, अभी जस्ट रुकी है, बाकी काले बादल छाए हुए हैं। आज सुबह मैंने बोला था कि मैं यहाँ पर मानसून नहीं है, मतलब मानसून आया नहीं है, और मैं आया हूँ मानसून लेकर के आया हूँ। और अभी पिछले 1.5 घंटे से बढ़िया बारिश हो रही थी। खैर अब बात करते हैं, जगह तो हमें डिसाइड हो गई थी कि हमें कहाँ निकलना है। हमें निकलना है दिल्ली की ओर, पर अब किस जगह से निकलना है ये बिल्कुल भी डिसाइड नहीं हुआ है। और जम्मू तवी एक्सप्रेस जो आती है आज हापा SVDK है, उसमें टिकट कन्फर्म नहीं है, मतलब हुआ नहीं, मैंने वेटिंग लिया था। ट्रेन नंबर 12475 उसमें कभी नहीं मिलता। अब दूसरा ऑप्शन क्या बनता है कि वलसाड हरिद्वार, उसका भी चेक किया, उसमें भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन क्या बनता है, वो है आपकी राजधानी एक्सप्रेस, और उसमें वेटिंग 4 फिलहाल चल रहा है। अभी टिकट बुक नहीं कर पा रहा हूँ मैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये IRCTC का ग्लिच कुछ तो हुआ है, कल भी हुआ था, पिछले बार में भी, आज भी हो रहा है। तो लेट्स सी, अब जो भी होगा वो चीज़ आगे जाकर रतलाम पहुँचेंगे तभी समझ में आएगा। फिलहाल बामनिया से मैं जा रहा हूँ रतलाम, क्योंकि राजधानी अगर मुझे लेना हुई तो मैं रतलाम से ही लूँगा। राजधानी तो खैर रात 12 बजे आती है, पर फिलहाल मुझे अभी निकलना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद कोई लोकल ट्रेन नहीं है मेरे लिए रतलाम जाने के लिए। फिलहाल चलिए इसी थ्रिल के साथ, इसी सस्पेंस के साथ इस जर्नी को शुरू करते हैं। और आप लोग पहले मौसम देख लो, और फिर आगे जो भी होगा पूरा वीडियो देखेगा, आप लोग मेरे साथ इस जर्नी को एंजॉय करोगे। टाइम देख लो, करीब 7:30 बजने को आए हैं, और जिस ट्रेन में मेरा टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, जम्मू तवी एक्सप्रेस आ रही है, बाकी इधर से आने वाली सारी गाड़ियाँ लेट है। इसके पीछे जो मेमू आ रही है वो 1 घंटा लेट है, जिसमें मुझे जाना है। यूजुअली वो ट्रेन जो है ऑन टाइम आती है, इतना लेट कभी नहीं होती। वडोदरा शेड के WIP 7 के साथ करीब 7:33 करंटली समय हो चुका है, और सामने से आ चुकी है आपकी कोटा वडोदरा पैसेंजर। क्या बात है, WIP 5 लोकोमोटिव लीड कर रहा है आज। इस ट्रेन को कुछ भी लिंक आ जाता है। पीछे डेड जा रहा है WG 9 इटारसी शेड का। वेट करते करते पूरा अंधेरा हो चुका है, सामने सिग्नल ग्रीन है, इस गाड़ी को ओवरटेक पड़ रहा है। देखते हैं कौन सी गाड़ी ओवरटेक कर रही है। और सामने सबसे पहले मौसम दिखा देता हूँ मैं आपको, क्या बढ़िया हो चला है, अभी सनसेट हुआ बहुत प्यारा सा। साबरमती एक्सप्रेस, इधर कोई गाड़ी स्किप भी करने वाली है, दूसरी तरफ से अपनी गाड़ी भी आ चुकी है। हालांकि मालगाड़ी यहाँ, टाइम देख लो, फाइनली 8 बजे गाड़ी जो अपने प्लेटफॉर्म पे आ रही है, और यहाँ पे भी लूप किया गया है इसे। देखते हैं कोई ओवरटेक वगैरह है क्या यहाँ पे। आप मौसम देख लो, पूरा डार्क हो चुका है, बिजलियां भी चमक रही हैं। सामने हो गया है सिग्नल ग्रीन, तो यहाँ पे ओवरटेक होने वाला है मेमू का। जब गाड़ी लेट होती है ना तो कुछ इस तरीके से हाल होता है कि और लेट पे लेट हो जाती है, क्योंकि ऑन टाइम गाड़ियों को आगे निकाला जाता है। अहमदाबाद कानपुर स्पेशल, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने इसे सुबह स्पॉट किया था जब ये अहमदाबाद की ओर जा रही थी। अब से अगले वाले पार्ट में हम लोग जब वापस जा रहे हैं तो स्पॉट कर रहे हैं इसे। 8:10 हो चुका है, स्टिल हम लोग यहीं पे वेट कर रहे हैं। आप देख लो, वैसे मैं आपको बता दूं आज आगे वाले कोच में मैं चढ़ूंगा, मेरे ख्याल से दूसरे ओवरटेक की तैयारी है, क्योंकि पीछे से केरला संपर्क क्रांति आ रही है। ओवरटेक नंबर 2, केरला संपर्क क्रांति।
इसके बाद कोई गाड़ी नहीं है लंबे दौर तक, इसके बाद हमें निकाल दिया जाएगा। 9:30 बजे करीब 9:35 पर फाइनली मैं पहुँचा हूँ रतलाम जंक्शन। और आज पहली बार इस मेमू ने लेट किया है। जितनी बार भी अभी तक मैं ट्रैवल किया हूँ उतनी बार इस ट्रेन ने मुझे हमेशा टाइम पर पहुँचाया है। मतलब मेरा तो रेगुलर है ना रतलाम से बामनिया। खैर अब आगे बात करते हैं। तो अपना टिकट जो आगे का हो गया, मैं बहुत कोशिश कर रहा था, ट्रेन ऑलरेडी लेट कर दिया था। तो 8:30 बजे राजधानी की चार्टिंग हो गई थी। राजधानी में करंट में सीट निकल गई, 3 टायर 2 टायर और फर्स्ट एसी में, तीनों में निकली थी। फिर मैंने देखा कि चलो काम करते हैं 3 टायर में ही चलते हैं। तो आज फाइनली मुंबई राजधानी में हम लोग रतलाम से लेकर दिल्ली तक ट्रैवल करेंगे। और 5 सीट निकली थी मेरे, बुक करते करते वो 2 रह गई और मिडिल बर्थ मिली मुझे। क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, राजधानी है, अच्छा ही होगा सफ़र। फिलहाल चलते हैं ज़रा वेटिंग रूम में, यानी मेन प्लेटफॉर्म साइड, प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ। उधर अभी अराइवल डिपार्चर्स भी है तो उधर ही वेट करेंगे। फिर 12:30 का टाइम है राजधानी का, तो करीब 12 बजे के आसपास या जब भी लगेगा वापस इधर वाले प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। इधर ही प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे मैं रुक गया क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे पश्चिम एक्सप्रेस आ रही है, ट्रेन नंबर 12925। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये भी तो दिल्ली जा रही है। जी हाँ, पर इसमें भी टिकट नहीं था, ना फर्स्ट एसी, ना सेकेंड एसी, ना 3rd AC और ना ही स्लीपर। कितना खूबसूरत लगता है ना VAP 7 लोकोमोटिव। बस थोड़ी देर में अभी इसका डिपार्चर होने वाला है। इधर पश्चिम एक्सप्रेस के पीछे पीछे आ चुकी है ट्रेन नंबर 12263, पुणे हजरत इनामुद्दीन दुरंतो एक्सप्रेस। क्या शानदार योजना चल रहा है इसका, ये भी दिल्ली जा रही है पर आज इसमें भी टिकट नहीं था, वरना इसी से निकलता मैं। टिकट ही WAP 7 के साथ। अब ऑब्वियस ही बात है दुरंतो एक्सप्रेस है तो प्रायोरिटी इसे ही मिलेगी। पश्चिम एक्सप्रेस के आगे इसे यहाँ से डिपार्चर दिया जा रहा है, यानी ऑफिशियली ये पश्चिम एक्सप्रेस को यहाँ पे ओवरटेक कर रही है। सुरीला होंकर लोकोमोटिव लगा है दुरंतो एक्सप्रेस को। आज क्या बात है, सारी गाड़ियां लेट है। अवंतिका करीब करीब 1.5 घंटे की डिले के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ रही है वडोदरा शेड के WAP 7 के साथ। करंटली वक्त हो चुका है 11:30 और फिलहाल मैं वेटिंग रूम से बाहर आ चुका हूँ। लास्ट अवंतिका एक्सप्रेस का अराइवल लेके मैं चला गया था वेटिंग रूम के अंदर, वहाँ पे मैंने थोड़ा आराम किया और थोड़ा एडिट वगैरह करना था वो किया क्योंकि नॉन स्टॉप मैं कब से खड़ा ही था। उसके बाद अभी बाहर आया हूँ 11:30 बजे। अब एग्जैक्ट 1 घंटा बचा है अपनी ट्रेन को, यानी कि राजधानी एक्सप्रेस को आने में। तब बैठ के ज़रा बाहर का जो है माहौल उसको एंजॉय किया जाएगा। और अभी सडन से पूरा प्लेटफॉर्म देखो 5 बजे खाली हो गए क्योंकि अब इस साइड जाने में डिपार्चर राजधानी के बाद से शुरू होंगे। अभी तक जो है प्लेटफॉर्म नंबर 4 यानी मुंबई साइड जाने वाला डिपार्चर ज़्यादा है। टाइम देख लो 12:10 और अपनी राजधानी से पहले यहाँ पर सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस आ चुकी है इटारसी शेड के WAP 7 लोकोमोटिव के साथ। टाइम यह देख लो 12:20 भी नहीं हुए हैं। इधर सोमनाथ जबलपुर आके खड़ी हुई, तुरंत बोर्ड पर अपनी गाड़ी लग चुकी है। बिफोर टाइम अराइवल हो रहा है राजधानी एक्सप्रेस का।
सोचे कितनी प्रायोरिटी है इस रूट में इसको, और ना मैं इसे इस राजधानी एक्सप्रेस को किंग राजधानी कहता हूँ, क्योंकि क्या ताबड़तोड़ भागती है ये। इस गाड़ी के लिए मैंने देखा है 3-3 स्टेशन पहले से मालगाड़ियाँ लूप पे, पैसेंजर लूप पे जाती हैं। 12951 किंग राजधानी आ रही है अब फाइनली। 26 है आज का अपना कोच, यहीं पे है। बाकी रात के वक्त में आप स्टेशन देख लो, आपको अच्छी खासी चहल पहल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। फ्रूट्स वगैरह स्टेशन पे मिल रहे हैं, और चाय वगैरह आपको पता ही है किस लेवल की मिलती है, वो तो मैं कभी रिकमेंड करूँगा नहीं, और ना ही इधर से पोहा लेने का कभी रिकमेंड करूँगा, क्योंकि अभी मैंने बनते हुए देखा है और बिल्कुल ही लो स्टैंडर्ड का बन रहा है सारे स्टॉल पे। सो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है इस। अपने समय से 2 मिनट बिफोर टाइम प्लेटफॉर्म में एंट्री हो गई है राजधानी एक्सप्रेस की। मुंबई तेजस राजधानी एक्सप्रेस, ये रहा आज का अपना कोच, B6 45 नंबर बर्थ है। अब वेट करते हैं ऑटोमेटिक डोर्स खुलने का। तेजस राजधानी में एक कमी लगती है कि ये जो आप चढ़ने वाला हिस्सा देख रहे हो ना, ये बहुत ज़्यादा दूर है। खैर चलो अंदर, और यहाँ देखो चमकते हुए बिल्कुल इंटीरियर्स राजधानी एक्सप्रेस के। शार्प 12:28 पर अपना डिपार्चर हो चुका है रतलाम जंक्शन से, और इसी के साथ हम लोग जबलपुर सोमनाथ को ओवरटेक भी कर रहे हैं। सोमनाथ जबलपुर को, माफ़ कीजिए, फिलहाल निकल चुके हैं हम लोग रतलाम स्टेशन से। और आप सभी को मैं बता दूँ, ये इस रूट की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। रतलाम से लेकर दिल्ली तक का यह सफ़र 8 घंटे में पूरा करती है। मात्र 12:30 निकले हैं, सुबह 8:30 पहुँच भी जाएंगे। 750 किलोमीटर का ऑलमोस्ट डिस्टेंस है। बाकी इस दौरान अपने 2 हॉल्ट होने वाले हैं। पहला तो अभी आ जाएगा आपका नागदा, जो कि 40 किलोमीटर बाद ही है। दूसरा आपका होगा कोटा, उसके बाद सीधा दिल्ली जाकर रुकेगी। बाकी आज बहुत लकी हूँ मैं, क्योंकि मुझे वुडन इंटीरियर्स वाले कोच मिले हैं, पर इंटीरियर्स अभी रात में मैं दिखा नहीं पाऊँगा, अंदर सब लोग सो रहे हैं। कल सुबह सुकून से आप सभी को इंटीरियर्स दिखाऊँगा। बाकी उसी के साथ साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आप सभी के साथ शेयर करनी है, फेयर को लेके, खाने पीने को लेके, सब कुछ। आराम से पूरा वीडियो देखिए, मज़ा आएगा। फिलहाल तो मैं सोता हूँ, अब मिलता हूँ आप सभी से कल सुबह, आराम से कवरेज शुरू करेंगे फिर। गुड मॉर्निंग आप सभी को। सुबह के करीब 6:45 यानी 6:45 समय हो चुका है। हमारी गाड़ी ने मथुरा स्किप कर दिया है, और मैं तो राजधानी एक्सप्रेस लग रहे हैं। तो दिन की शुरुआत चाय के साथ करते हैं। मैं चाय कब से सर्व कर दी थी, 6 बजे के आसपास ही। मैं आपको बता दूँ, नॉन स्टॉप अपनी गाड़ी फिलहाल खा ली जाती है 130 की रफ्तार में। नाश्ता भी मेरा अभी से सर्व कर दिया गया है, हालांकि बहुत ज़्यादा जल्दी सर्व कर दिया गया है। 7:30 ही नाश्ता पी लिया हूँ, नाश्ते का यूज करेंगे नॉन स्टॉप। आपको चलो टाइम आप यहाँ देख लो, और फाइनली हमें ब्रेकफास्ट मिल गया है। पहले ही सर्व हो गया था, मैंने अब अनबॉक्स किया है। यहाँ देख लो, मैं दिखा देता हूँ आपको क्या क्या है ब्रेकफास्ट में। मुझसे पूछने आए थे पोहा या उपमा, तो मैंने पोहा बोल दिया, तो ये पोहा हो गया अपना। बाद में बटर हो गया, ये टिकट, ये आपका हो गया टोमेटो केचप, ब्रेड ब्राउन ब्रेड, जूस, और ये पानी चाय के लिए। चलो अब इसमें टेस्ट करते हैं ज़रा पोहा कैसा है। पोहा लाजवाब है, बस एक ही चीज़ की मुझे कमी लगती है हमेशा, कि ये लोग ड्राई कर देते हैं पोहा को। बाकी तो सब पैक्ड आइटम है, तो उसको क्या ही रिव्यू करूँ। पोहा अच्छा है, मतलब बुरा नहीं कह सकते। रिसेंटली कुछ दिनों पहले मैंने अगस्त क्रांति राजधानी में ट्रैवल किया था, वहीं उसके 3rd AC का हाल काफ़ी हद तक बुरा था, मतलब खाने को लेकर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। पर यहाँ ठीक है, यहाँ उतना बुरा नहीं है, किंग राजधानी यार, ऑब्वियसली यहाँ तो मेनटेन करेंगे। बट मेरी उम्मीद है कि हर गाड़ी में ऐसे मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि आप किराया पे कर रहे हैं। अब आगे बात करते हैं, तो इसी बारे में आप सभी को किराया जो है वो भी बता देता हूँ।
तो अराउंड 1960 यानी 1960 रुपये मैंने इस ट्रेन में पे किया है फ्रॉम रतलाम टू न्यू दिल्ली। थर्ड एसी का किराया है ये, जिसमें 125 रुपये आपका केटरिंग चार्ज है। अगर आप चाहें तो ऑप्ट कर सकते हैं, नहीं चाहें तो ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं, तो 100 रुपये बचा लेंगे। पर ठीक है, 100 रुपये बचा के क्या ही होगा, जब 100 रुपये में आपको 125 रुपये में बढ़िया एक चाय, दो चाय, एक बेड टी और नाश्ते के साथ, उसके साथ साथ आपको ब्रेकफास्ट देखने को मिल जाता है, तो और मेरे ख्याल से कुछ दिक्कत है नहीं। करेंटली हम लोग पलवल स्टेशन को स्किप कर रहे हैं और यहाँ टाइम आप देख लो करीब 7:33 और ओरिजिनल टाइम अगर आप उससे पूछोगे स्किप करने का तो वो आपका 7:54 का है। तो करीब करीब ही मान लो हम लोग 20 से 22 मिनट बिफोर टाइम चल रहे हैं। इतना टाइट शेड्यूल होने के बावजूद भी हम लोग बिफोर टाइम चल रहे हैं, मतलब राजधानी इसको 1295 को स्लैग नहीं है, बहुत मिनिमम स्लैग दिया हुआ है इसको, बिल्कुल कट टू कट ऑन टाइम चलाते हैं पूरा प्रायोरिटी पे, फिर भी बिफोर आ रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर फाइनली हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं ट्रेन नंबर 12911 वलसाड़ हरिद्वार एक्सप्रेस को। ये पानी की बोतल देना भैया भूल गए थे, तभी जा करके मैं लेकर के आया, क्योंकि गाड़ी में प्रीमियम गाड़ी में आपको पानी बॉटल तो मिलती है, केटरिंग चार्जेस आप लोगों ने पे किए हैं तो आप लोग भी याद रखिए इस चीज़ का। बाकी फरीदाबाद न्यू टाउन अभी हम लोगों ने निकाल दिया है। बहुत प्यारा होंकर लोकोमोटिव लगा है अपनी ट्रेन में, पर दिक्कत ये कि मैं खोल नहीं सकता गेट, ऑटोमेटिक डोर्स है। स्किपिंग हजरत इनामुद्दीन रेलवे स्टेशन और ये गोवा एक्सप्रेस के रेक खड़े हैं सामने। इधर गतिमान एक्सप्रेस खड़ी है अपने बगल में, इंडियाज फास्टेस्ट ट्रेन, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 160 km/h है। क्या हम किसी ट्रेन को ओवरटेक कर रहे हैं? जी हाँ, मोस्टली तेलंगाना एक्सप्रेस होनी चाहिए। फाइनली न्यू दिल्ली स्टेशन में हमारी एंट्री हो रही है और यहाँ मैं आपको खास बताना चाहूँगा टाइम देख लो 8:20 पे हम लोग आ गए हैं। फाइनली न्यू दिल्ली हम लोग पहुँचे हैं। अब सुकून शांति से मैं आपको इंटीरियर जो है वो दिखा पाऊँगा। अभी जो मैसी बेडिंग है इसको आप अवॉइड करना, क्योंकि गाड़ी यहीं पे खाली हो रही है, सब लोग उतरे हैं यहाँ पे। बाकी मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो ऐसे कुछ इंटीरियर्स है, आपको चार्जिंग सॉकेट वगैरह देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, देख लो दो लोअर बर्थ के लिए एक। ये थोड़ा सा मेरे मतलब कंपार्टमेंट का ख़राब हो गया है, वरना ये अच्छे से नीचे आ जाता है। उसके अलावा आपको ये लाइट देखने को मिल जाएगी। और यहीं अगर साइड डोर की बात करूं तो एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए आप देखो यहाँ पे ये ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है, वहीं चार्जिंग सॉकेट वगैरह भी आपके पास यहाँ पे सेम
धूप से बचने के लिए आप इसे पर्दा गिरा सकते हैं। बाकी लाइट वगैरह आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी, ये तो फिलहाल वर्किंग कंडीशन में नहीं है, वो अलग बात है। बाकी हाँ, मेन बात कर रहा था, अभी देखो वुडन फिनिश्ड इंटीरियर्स, इसकी मैं बात कर रहा था। बहुत खूबसूरत, बहुत प्रीमियम लगते हैं ये। राजधानी एक्सप्रेस में आपको देखने को मिलेंगे, ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। ये एक्चुअली हर रैक में नहीं है, ये वुडन फिनिश इंटीरियर कुछ गिने चुने रैक में ही है। देखो यहाँ ऐसा कुछ क्लासी लुक आपको देखने को मिल जाता है और फील आता है लग्जरी आप किसी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो। बाकी अगर आप यहाँ देखोगे तो दोनों साइड आपको, दोनों गेट्स आपको ये इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे, जिस पे ट्रेन की स्पीड, अगला हॉल्ट, कौन सी ट्रेन है, क्या कुछ नहीं, वेदर की अपडेट भी फिलहाल तो गलत दिखा रहा है, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। CCTV कैमरा दोनों गेट पर आपको देखने को मिलेंगे, स्मोक डिटेक्टर्स वगैरह भी हैं, तो सेफ्टी का अच्छा खासा ख्याल यहाँ रखा जाता है प्रीमियम गाड़ी में। बाकी अगर बाहर आएंगे तो बाहर भी आपको CCTV वगैरह देखने को मिल जाएगा और मेंटेनेंस गाड़ी का अच्छा है, नो डाउट, बढ़िया से मेंटेन किया हुआ है। ऑन बोर्ड OBC स्टाफ वगैरह भी काफ़ी बढ़िया है। फिलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अपनी गाड़ी आई है। ओवरऑल रिव्यू की अगर मैं बात करूँ इस राजधानी एक्सप्रेस की ना, तो मुझे अच्छा लगा, मतलब उतना बुरा भी नहीं है, उतना नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस भी नहीं था राजधानी का, एक्सेप्ट इसका जो रन था, जो भागी है गाड़ी नॉन स्टॉप, इतने मिनिमम टाइम में भी बिफोर ले आई, उस चीज़ से मैं इंप्रेस हुआ हूँ, इसीलिए इसे किंग राजधानी कहता हूँ इसके रन के लिए, गज़ब भाई गज़ब। बाकी खाना उतना अच्छा नहीं था, ठीक ठाक था, मुझे इस गाड़ी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, हो सकता है इसलिए मैं उतना इंप्रेस नहीं हुआ हूँ। सेकेंड चीज़, साफ सफाई ट्रेन की अच्छी है, ट्रेन का जो स्टाफ है वो भी अच्छा है, नो डाउट। तो ये कुछ रहा रिव्यू। हाँ देखो, अभी थोड़ा सा ऑफ सीजन है, हल्का सा, इसलिए इसमें आपको करंट देखने को मिल जाता है, अदरवाइज़ नॉर्मल दिनों में इसमें आपको सीट नहीं मिलेगी, RAC लगी पड़ी होती है, करंट तो भूल ही जाओ। तो ठीक है, लकीली मुझे सीट मिल गई। अच्छा, और एक और अपडेट आप सभी के लिए कि ये जो अपनी प्री मानसून रैंडम सीरीज है, इसको फिलहाल मैं नई दिल्ली पे यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि आगे आप सभी को पता ही है, मैंने पिछले पार्ट में बता दिया है, एक बार फिर से बता देता हूँ, मैं निकल रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट की तरफ और नॉर्थ ईस्ट के मानसून को हम लोग कवर करेंगे डेडिकेटेडली, तो मज़ा आएगा। वहाँ की ट्रेन जर्नीज भी आपको, हो सकता है पहले ही चैनल पर आ गए हो आप लोग देख रहे हो और ये वीडियो बाद में आ रहा हो, हो सकता है आगे आने वाली हो, तो आप चिंता मत कीजिए, आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट भरपूर रहेगा। तो इसलिए इस सीरीज़ को यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताना। इसी और कोई सीरीज़ अगर आप देखना चाहते हैं, कोई सजेशन है, तो कमेंट में मुझे ज़रूर से लिख के बताना। और फिलहाल चलते हैं अब यहाँ से। ये सीरीज़ का ओवरऑल रिव्यू भी अगर दिया जाए तो मज़ा आया, बहुत थ्रिल था, बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे और प्लानिंग करने में बहुत मज़ा आता है मुझे स्पेशली। तो ये कुछ रहा है अपना एक्सपीरियंस। फिलहाल मिलते रहेंगे कुछ और ट्रैवल वीडियोज़ में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। दिस इज़ चैनल साइनिंग ऑफ फ्रॉम न्यू दिल्ली। यार एक और चीज़ है, वीडियो एंड करने से पहले ज़रा एक अपडेट दे दो आप सभी को कि फिलहाल दिल्ली साइड तो मानसून आया नहीं है, बिल्कुल भी बारिश के कोई आसार नहीं लग रहे। अभी आज जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ, ये है 12 जून, और 12 जून के दिन ये सीरीज़ एंड कर रहा हूँ यहाँ पे। धीरे धीरे करके यहाँ पे भी मानसून आएगा, एक्चुअली थोड़ा सा टाइम अभी यहाँ पे, गर्मी बहुत है भाई इस समय यहाँ पे। जब प्री मानसून सीरीज़ अभी हम लोग कर रहे थे 5 दिन पहले, तो 20 डिग्री, 22 डिग्री, 24 डिग्री में थे, यहाँ सीधा अभी से 32-34 डिग्री हो चुका है, तो गर्मी जो है ना वो फील हो रही है। बस ये अपडेट देना था आप सभी को वीडियो एंड करने से पहले।